Okay, good morning all of you. A very good morning. Am I audible to everyone? My sound is clear? Yes. Okay, great. So, दो दिन lectures नहीं हुए, तो उसके लिए sorry. And हाँ, आज lecture चालू करने से पहले ना मैं कुछ important चीजें बताना चाहूंगा. बच्चों क्या करना है, देखो एक चीज याद रखनी है ना कि स्कॉलरशिप्स एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स के रिगार्डिंग मुझे सच में कुछ पता नहीं है. तो मतलब जब भी तुम लोगों को अगर कुछ पूछना वगैरह रहेगा ना, मतलब स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या फिर कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आइदर तुम लोग ग्रुप पे डाल सकते हो या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट टू महेश सर और जागृति मैडम. ठीक है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म के रिगार्डिंग तो आपको विजय सर और जागृति मैडम बता देंगे, लेकिन जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना वो सिर्फ महेश सर ही करते हैं, तो उसके लिए आपको फिर महेश सर को ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हाँ मतलब स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में ये बता सकता हूँ कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर अगर ओरिजिनल नहीं है ना तो जितने भी जेरोक्स कॉपीज है वो जेरोक्स कॉपीज की सेल्फ अटेस्टेशन करो, खुद की सिग्नेचर मारो, एंड देन उसको फिर बाद में क्या करना है, अपलोड करना है. दूसरी चीज, वहां पे आपको फी रिसीट पूछी जाएगी, है ना, फी रिसीट भी पूछी जाएगी. तो उसमें क्या करना है आपको, फी रिसीट में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपकी ऑनलाइन पेमेंट की स्क्रीनशॉट या फिर जो कॉलेज की जो फी रिसीट मिलती है वो वाली अपलोड नहीं करनी, वो फी रिसीट की जगह पे वहां पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, राइट. ओके, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2021 है ना, 31 मार्च 2021 तक का वैलिड होना चाहिए, उस हिसाब से उसको वहां पे अपलोड करो. ऑलराइट, ये मुझे बेसिक चीजें इतनी पता है, बाकी मतलब कौन से इसमें अप्लाई करना है या फिर कितने अमाउंट डालने वगैरह ये सब तो चीजें महेश सर ही आपको डिटेल में बता सकते हैं. तो प्लीज अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू दी महेश सर, है ना. ओके, तीसरी चीज, मैं ज्यादातर अटेंडेंस लेता नहीं हूँ, है ना, मैं ना अटेंडेंस लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक उसूल क्या है कि अटेंडेंस के बारे में मैं रैंडमली कभी भी उठ के अटेंडेंस ले लूंगा, कभी भी. तो मेरा ऐसा चीज है ना कि अगर मेरे लेक्चर में एक बंदा एक बार एबसेंट है नो प्रॉब्लम, फिर अगले टाइम फिर मैं सरप्राइजिंगली ऐसे अटेंडेंस ले लूंगा, फिर मुझे अगर कोई वही सेम बंदा दूसरी बार एबसेंट मिला तो भी नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर तीसरी बार सरप्राइजिंगली अगर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और अगर वो बंदा मुझे एबसेंट मिलता है और उसके 3 चांस हो जाते हैं, देन फिर वो बंदा डेफिनेटली बैकलॉग रह सकता है उसका कुछ भी सब्जेक्ट का. तो प्लीज याद रखना कि मेरे
सब्जेक्ट में मैं अटेंडेंस लूंगा नहीं, अगर लूंगा तो वो भी वो सरप्राइज रहेगा आपके लिए अटेंडेंस। तो डेफिनेटली जैसे ही तुम्हारा अटेंडेंस सरप्राइज होगा, तो अगर मुझे आप एक बार दो बार और तीन बार अगर मुझे मिलते हो, तो बस फिर बाद में मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि ये अटेंडेंस वगैरह लगाना वो यार बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। एंड ऑफकोर्स मैं मेरी तरफ से टीचिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि हर एक छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो सके करके, राइट? मैं बहुत लेमन एंड सिंपल लैंग्वेजेस में, एंड प्रोबेबली आई एम यूजिंग हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, सो कि तुम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आए करके। तो इस वजह से मतलब इतना अगर एफर्ट्स हो रहा है तो डेफिनेटली मैं अटेंडेंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। बट स्टिल अगर मैं सरप्राइजिंगली कभी भी अटेंडेंस लेता हूँ, एंड अगर मुझे कोई बंदा तीन बार और मतलब अगर मिल गया मुझे, तो फिर मैं बोल नहीं सकता, फिर अटेंडेंस उसकी शॉर्ट लगा दी जाएगी। 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर वो तीन लेक्चर से भी अगर मेरे इसमें अगर एबसेंट होता है, तो फिर वो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ओके, चलो। सो और हाँ, दूसरी चीज, आपको अगर कोई भी मतलब स्टडी के रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट रहेगा ना, तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। बट अगर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज अगर आपको कुछ डाउट पूछने होंगे या फिर कुछ रहेगा, डेफिनेटली अगर कॉलेज में किसी का बाकी लोगों का फोन नहीं लग रहा है, देन यू कैन कॉल मी फ्रॉम लाइक इन मॉर्निंग 9 to evening 4। सो इस बीच में आप लोग मुझे कॉल डेफिनेटली कर सकते हो अगर बाकी किसी का फोन नहीं लग रहा और आपको इमरजेंसी में कुछ डाउट या वगैरह कुछ पूछना होगा, तो कर सकते हो। बट अगर मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज अगर कुछ रहेगा, तो फिर 4 के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो फिर प्लीज मतलब है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला करो, तो फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर कर लूंगा अकॉर्डिंगली। ये उसका रीजन में जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे ना, तब मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, राइट? सो ये एक चीज है। एंड देन उसके बाद में हाँ, स्टडी के रिलेटेड आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके ओके, सो ये मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने अभी क्लियर कर लिए हैं, ठीक है? सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे रुके थे कि हम लोग अगर वेसल यूज करते हैं, तो वेसल भी एक तरह का कंटामिनेशन कॉज कर सकता है, या फिर वेसल भी एक तरह का हम लोग बोल सकते क्या है कि इसमें से भी इम्प्यूरिटीज आ सकती, ये एक तरह का सोर्स है, इम्प्यूरिटी का सोर्स है, राइट? ओके, सो अभी हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। सो जो केमिकल प्रोसेसेस जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मतलब जो भी कोई ड्रग अगर हम लोगों को बनाना है, तो वो ड्रग बनाते समय जो भी हम लोग केमिकल प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी एक तरह का सोर्स हो सकता है। वॉट एवर द केमिकल प्रोसेसेस विच आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर ड्रग एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, That can be also a kind of source for your impurities, है ना? Right? So I guess किसी का तो माइक बंद है। गणेश, प्लीज आपका माइक बंद कर देना। ओके, थैंक यू। ओके, चलो। सो आई एम टॉकिंग लाइक हाँ सो पहला पॉइंट देखना क्या है, for the synthesis of drug, many chemical reactions such as nitration, halogenation, oxidation, reduction, hydrolysis are involved, है ना? So ऐसे बहुत सारी मतलब ड्रग के सिंथेसिस में ऐसे बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है जिनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन की रिएक्शन होती है, हेलोजेनेशन की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, या फिर रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब रिएक्शंस होती है। तो आपको ये सब बेसिक चीजें पता होंगी कि नाइट्रेशन मतलब क्या है, तो एडिशन ऑफ nitrogen group, that is your nitration. Then halogenation मतलब क्या है, addition of halogen groups, है ना? तो halogen में हमारे fluorine, bromine, fluorine, है ना, ये सब चीजें आएंगी। Then oxidation, obviously addition of oxygen. Then reduction means addition of hydrogen. And then hydrolysis means breakdown of any compound by using water, है ना? Hydrolysis, hydro means water, lysis means cut करना या फिर break करना, है ना? ये दो अलग अलग word है, इन दोनों को उन्होंने एक साथ जोड़ लिया hydrolysis करके। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि वाटर के इस्तेमाल से या फिर वाटर को यूज करके हम लोग कोई भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज यूअर हाइड्रोलाइसिस, है ना? हाइड्रोलाइसिस। ओके, सो इन दिस केमिकल प्रोसेसेस डिफरेंट केमिकल्स आर यूज, है ना? इन दिस केमिकल प्रोसेसेस डिफरेंट केमिकल्स आर यूज। तो डिफरेंट केमिकल्स कौन से है? हाँ,
बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस हम लोग मतलब या फिर बहुत सारे केमिकल्स हम लोग यहाँ पे ये सब प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे एक स्टैटिक मटेरियल अलग हो गया, तो फिर नाइट्रेशन करना है तो डेफिनेटली नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रोजन NO2 ग्रुप कौन से चीजों में प्रेजेंट है, लाइक HNO3 में प्रेजेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं नाइट्रेशन के रिएक्शन के लिए। अगेन फॉर द हेलोजिनेशन वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स है ना, तो वो भी चीजें हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस आर इन्वॉल्व। सो ये सब चीजें हम लोग मतलब बहुत सारी रिएजेंट्स है, ये सब रिएक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट तीसरा वाला पॉइंट क्या देखना, टैप वाटर इज जनरली यूज इन द वेरियस प्रोसेसेस। टैप वाटर जनरली यूज इन वेरियस प्रोसेसेस। तो ऑफनली अभी ये तो बहुत सारी मतलब ये टैप वाटर के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि टैप वाटर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो ये टैप वाटर की वजह से हम लोगों के प्रोडक्ट के अंदर कौन से कंटामिनेशन या फिर कौन सी इंप्योरिटीज आ सकती है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये भी देखा था कि टैप वाटर के अंदर क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फेट होता है, कैल्शियम होता है, सब बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम वो साइड रिएक्शंस देखे देखे थे, तो साइड रिएक्शंस क्या करते हैं, खुद एक अलग से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देन उसके बाद में उसका कुछ अलग प्रोडक्ट निकलता है, एंड वही प्रोडक्ट फिर बाद में क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि आगे जाके नई इंप्योरिटी बनाता है। सो ये भी चीज है। सो विच आर जनरली फाउंड इन द सब्सटेंसेस विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो ऑब्वियसली ये तो केमिकल प्रोसेसेस में इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शंस होती है नाइट्रेशन वगैरह, तो डेफिनेटली उसके साथ बहुत सारी बाकी के बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, और अगर बाय प्रोडक्ट आ जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारा क्या होगा, इम्प्योरिटीज आने वाला है ना, इम्प्योरिटीज आने वाली है। ओके सो ये फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर है सबको कि केमिकल प्रोसेसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इज देयर एनी डाउट, पूछो। टैप वाटर का रिपीट करो ना एक बार। अच्छा, टैप वाटर का देखो कैसे ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे टैप वाटर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। अगर याद होगा तो डेफिनेटली ये चीज याद रखना कि टैप वाटर के अंदर बहुत सारे कैटाइन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एनायन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैटाइन्स में हमारे मैग्नीशियम आ गए, फिर कैल्शियम आ गए, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, तो ऐसे बहुत सारे कैटाइन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके साथ नेगेटिवली चार्ज आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे फॉस्फेट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वाले भी आयन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन उसके साथ उसमें कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती है, टैप वाटर में कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जनरली ये एक चीज है कि अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन में टैप वाटर यूज कर रहे हैं, अगर कोई रिएक्शन में हम लोग टैप वाटर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टैप वाटर के साथ ये वाले कैटायंस और एनायंस और ये ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज है वो रिएक्शन में जाएंगी, और जैसे ही ये सब इम्प्योरिटी उसके साथ वहां पे रिएक्शन में जाएंगे, तो ऑब्वियसली जैसे रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है तो वो रिएक्शन के साथ ये कंपाउंड भी रिएक्ट करेंगे, है ना। जो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो इम्प्योरिटीज भी फिर बाद में रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे। तो होगा क्या कि ये रिएक्शन की वजह से फिर कुछ अलग तरीके की इम्प्योरिटीज बन सकती है, राइट। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट बन सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन सकता है, सो कुछ भी बन सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह, HCl बन सकता है, NaCl बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे ये सब अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए और नॉर्मल अगर हम लोग टैप वाटर ले रहे, तो डेफिनेटली वो एक तरह का सोर्स होगा हमारे केमिकल प्रोसेसेस में इम्प्योरिटी बनाने का, है ना। तो अभी क्लियर है ये वाला पॉइंट कि फिर से मुझे कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है। इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके ब्रायन, ओके। सो बच्चे लोग कुछ तो मैसेजेस डाल रहे हैं। यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके नाइस। हाँ, सो अभी मैं अगले वाले पॉइंट पे चला जाता हूँ, ठीक है। चलो, एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन। तो ये एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन तो मैंने आपको लास्ट टाइम वो किचन के एग्जांपल मैंने दे दिए थे ना, कि अगर हम लोग कौन से एटमोस्फियर में काम कर रहे हैं एंड एट ऑल, तो वो चीजें भी सब देखनी होती है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग प्रॉपर एटमोस्फेयर क्या होता है ना वो हम लोग देखेंगे, वो किचन वाला तो तुम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन ये वाला भी तुम लोग देखना, ठीक है।
देखो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जो भी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है वो भी हम लोगों को कंसिडर करने। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ भी काम करते हैं तो फिर जो एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेटेड होता है। किससे कंटामिनेटेड होता है? तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होती है, बहुत सारी गैसेस भी अराउंड प्रेजेंट होती है, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है H2S, देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देन ब्लैक स्मोक, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक कार्बन होता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल वो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किधर? अपने इंडस्ट्रियल एरिया के इर्द गिर्द, है ना, उसके आजू बाजू में, इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू में ये सब हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब अगर हवा के अंदर प्रेजेंट है सो दिस मतलब ये लोग भी एक तरह का इम्प्यूरिटीज का सोर्स बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं अभी हम लोग। तो होता क्या है, सेकेंड वाला पॉइंट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दिस इम्प्यूरिटीज एंटर्स द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो अगर हम लोग कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज अगर हम लोग प्यूरिफाइड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ये जो हवा में प्रेजेंट होने वाले जो ये सब इम्प्यूरिटीज और ये जो पार्टिकल्स है ये हमारे प्रोडक्ट के साथ मिल सकते हैं या फिर ये प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो सकते हैं या फिर ये प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तीन चीजें होने वाली है, कौन सी? एक तो ये मिल जाएंगे, फिर दूसरा मिक्स हो जाएंगे, या फिर तीसरा रिएक्ट हो जाएंगे। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर तीनों की तीनों चीजें भी हो सकती है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है कि हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोग प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो उस दौरान हमारा जो आजू बाजू का एनवायरमेंट है ना वो इतना क्लीन एंड इतना प्योर होना चाहिए कि जिस वजह से और इस वजह से हम लोगों के जो डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो ब्लैक स्मोक है ना वो क्या हो सकता है उसमें मिक्स ना हो सके। और अगर वो मिक्स नहीं होता है तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो ज्यादा प्योर होगा, उसमें इम्प्यूरिटीज कम प्रेजेंट होंगी, है ना। तो ये पॉइंट है। तीसरा वाला, देयर आर मेनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स व्हिच व्हेन मैन्युफैक्चर्ड आर कंटामिनेटेड विद द एटमॉस्फेरिक CO2 एंड द वाटर वेपर्स आल्सो, लाइक एग्जांपल NaOH एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2, है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से वो कंटामिनेट हो जाते हैं, है ना। मतलब एग्जांपल भी दिया है कि हमारा जो रहता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं। अगर तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को खुले में छोड़ दोगे तो डेफिनेटली तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे वो थोड़ा सा गर्म होगा और देन उसके बाद वो थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया होगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है? NaOH हवा में या फिर ओपनली हम लोग जब उसके पैलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना, एकदम छोटे छोटे ऐसे फ्लेक्स रहते हैं, फ्लेक्स, तो वो जो फ्लेक्स है या फिर छोटे छोटे जो टुकड़े है NaOH के वो अगर हम लोग हवा में ओपन रख दे तो डेफिनेटली वो हवा के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और इसकी वजह से ही थोड़ा सा वो गर्मी भी पैदा करेंगे, क्योंकि NaOH जो भी रिएक्शन देता है या फिर जब NaOH एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं NaOH पर्टिकुलरली वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है ना तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरी आउट करता है। कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरी आउट करता है। कब करेगा? जब हमारा NaOH हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर और पानी के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरी आउट करता है और इसी वजह से ये जो अपना जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन के दौरान उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट। ओके, तो ये हो गया। और दूसरी एक चीज है कि जैसे ही वो हवा के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है सेम वैसे ही वो हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ भी वो रिएक्ट कर लेता है, उसके साथ भी वो रिएक्ट कर लेता है और वो क्या करता है, NaOH प्लस CO2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 अलोंग विद द वाटर, Na2CO3 अलोंग विद द वाटर, ये भी चीज होती है। तो ये याद रखना कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करती है, राइट। तो उन्होंने बोला है, देखो वहां पे रिएक्शन भी दिया है Na2COH प्लस CO2 इट गिव्स Na2CO3 प्लस वाटर, है ना, रिएक्शन भी वहां पे मेंशन की गई है। सो
Due to this reaction, NaOH should not be kept open for a longer time during its manufacturing. तो वही चीज बोली ना कि जो भी हम लोग NaOH बनाने वाले हैं या फिर जो भी हमारा NaOH हम लोगों ने बना लिया है तो वो NaOH को हम लोग ज्यादा देर ऐसे बाहर खुली हवा में ओपन नहीं रख सकते, या अगर वो ऐसे ओपन रह गया तो डेफिनेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है. ऑलराइट, ओके. सो अगला वाला क्या देखो, लास्ट वाला पॉइंट से. देयरफोर आईपी इज नथिंग बट योर Indian Pharmacopoeia has prescribed that sodium hydroxide should not contain more than 3% of sodium carbonate. तो obviously ये चीज तो सबको पता है कि कितना भी हम लोग चाहे कि NaOH का हमारे एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, फिर भी वो हो जाता है. हम लोग कितना भी ट्राई करें कि हमारा NaOH हमारे हवा के साथ संपर्क में ना आए, लेकिन फिर भी वो हो जाता है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही वो हवा के साथ संपर्क में आएगा तो वो इंस्टेंट रिएक्शन कैरीड आउट कर सकता है या फिर इंस्टेंटली वो रिएक्शन हो सकती है. तो इस वजह से हमारे इंडियन फार्माकोपिया ने क्या किया, ये बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बात कंक्लूड कर दी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर मिनिमम 3% ऑफ सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड ये इम्प्योरिटी चल सकती है. मिनिमम 3% ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये इम्प्योरिटी चल सकती है. राइट, सो आदित्य जी, व्हाट दिस स्लाइड इज सेइंग दैट कि whatever atmospheric contents are there like dust particles, hydrogen sulfide and then sulfur dioxide and black smoke, so all these may be like they are behave like an impurity, they may behave like an impurity and they interrupt the or they contaminate the products, hai na, contaminate the products at the last. So what happens, they have given the example like NaOH. When NaOH keeps open, in the atmosphere for a longer time, this NaOH reacts with your carbon dioxide and water which is present in your atmosphere, hai na. So water is like, water always present as a moisture, hai na. So when this NaOH reacts with the carbon dioxide and water, it definitely gives the Na2CO3 which is your sodium carbonate and then water. So we have to take a precautions that we should have to kept NaOH in a closed container, hai na. NaOH should not be kept open for a longer time during its manufacturing, open to the atmosphere. Okay, and at the last what they have mentioned, in Indian Pharmacopoeia has prescribed the limit value for the impurity of sodium carbonate in sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने परसेंट में सोडियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज हो, ये उन्होंने ऑलरेडी वहां पे लिमिट मेंशन कर दी है, which is your 3%. ओके, सो इज दैट क्लियर टू everyone, इंक्लूडिंग आदित्य शर्मा? इज देयर एनी डाउट? Yes or no? Good morning. Yes, there is no doubt. Yes, doubt, no doubt. Clear, sir. Aditya, is it clear to everyone? Aditya, आपको clear है ये सब? Yes, sir. Okay, fine. बेटा अगर कुछ भी doubt हो तो definitely पूछ लेना. I know आपकी थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी weak है ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही मेरा हिंदी का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली वो शॉर्ट समरी आपको इंग्लिश में भी बता दूं करके. राइट, चलो ग्रेट. सो नो वन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर कुछ रहेगा तो मुझे इंटरप्ट कर दो बीच में. ओके, चलो गुड. सो दिस इज दी वन एग्जांपल कि अगर एटमोस्फियर में अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकता है. ऐसे कोई दूसरा अगर कोई आपको पता है क्या एग्जांपल कि हमारा जो एटमोस्फियर में समथिंग प्रेजेंट है वो हमारे रिएक्शंस को हैम्पर कर सकता है, ऐसे कोई एग्जांपल आपको पता है, कोई बता सकता है मुझे ये चीज? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. नाइट्रोजन. ओके, और रिएक्शन बता सकते हो मुझे? रिएक्शन ये चीज लड़की लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि लड़की लोग ये एग्जांपल को थोड़े बहुत फैमिलियर है ना.
सोडियम कैसे, मतलब दीक्षा जी एक बार मुझे थोड़ा खुल के बताना कि सोडियम कैसे रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, ग्लिसरॉल, सोडियम, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, यस, आगे एक्सप्लेन मी दी रिएक्शन कि वो कैसे करेगा, हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पूरा ड्रॉ करके नहीं बताना, ऐसे सीधा नॉर्मली बताना. सोडियम इज एक्सप्लोसिव, यस, एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, व्हाट गेट ऑक्सीडाइज, ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, ओके, ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं, yes, ये एक एग्जांपल हो गया. और बताओ दीक्षा जी, आपका कहना ये है कि अगर सोडियम ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट होता है तो फिर इट एक्ट्स लाइक एक्सप्लोसिव, है ना, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सोडियम अगर पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है. यस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन ड्यू टू द ऑक्सीजन, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. और चांदी तुम लोगों ने सुना है, सिल्वर काली पड़ती है, सिल्वर काली पड़ती है, ये सुना तुम लोगों ने, सिल्वर ऑर्नामेंट ब्लैक हो जाता है, यस, सिल्वर का ऑर्नामेंट ब्लैक हो जाता है, यस, है ना. सो ये भी एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, वो सिल्वर डाइऑक्साइड नाम का चीज बनाता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, राइट. तो ये भी चीज होते हैं. कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज टू ग्रीन, यस, एब्सोल्युटली राज, यस 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, चलो गुड, नाइस, यू गाइज आर यूजिंग योर ब्रेन, आई एम एक्सप्रेस, लाइक यस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस लाइक, सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यस, आई एम इम्प्रेस विद योर परफॉर्मेंस, यस, गुड 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 गुड. नेल पेंट रिमूव कंटेन एसिटोन, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट तीशा, ये तो मतलब ना, ये इजिली रिएक्शन होने वाली नहीं है, नेल पेंट रिमूवर, मतलब जैसे अगर तुम लोग अगर नेल के ऊपर नेल पेंट लगाते हो तो हवा के अंदर तो एसिटोन प्रेजेंट नहीं होता ना, तो मैं एटमोस्फियरिक चीजें जो नॉर्मल चीजों के साथ रिएक्ट होती है उसके बारे में बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये नेल पेंट नहीं आएगा उसमें. सर, मार्बल स्टोन आ सकती है, ताजमहल, यस यस यस, ये भी हो सकता है, ये एक कॉमन एग्जांपल है कि जो हमारा ताजमहल है वो ताजमहल मार्बल, और क्या हुआ है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ तो वो पॉल्यूशन में सल्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है हवा में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल की जो मार्बल से वो भी रिएक्ट हो रही है और वो भी येलोइश कलर में कन्वर्ट हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल फॉर यूर एटमोस्फेयरिक कंटामिनेशन, बट ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में नहीं आ सकता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो अलग चीज है कि हाँ ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शन हो रही है, बट हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ये चीज देखनी है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हवा की वजह से हैम्पर हो सकते हैं, राइट, ओके, चलो, यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, या टोटली टोटली, यस, सो गुड, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट, मीटिंग एंड हो सकती है 5-10 मिनट के बाद, तो रिज्वाइन करना है, ठीक है, चलो चलो. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो अभी हम लोग देखेंगे कौन से डिफेक्ट होते हैं, राइट, सो वी विल सी व्हाट आर द डिफेक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड और मे बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सो योर फर्स्ट वन इज लाइक, इन मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस देयर आर डिफेक्ट्स लाइक इम्परफेक्ट मिक्सिंग, इनकम्प्लीटनेस, नॉन अधेरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, रिएक्शन कंडीशन, विच मे गिव्स केमिकल कंपाउंड्स विद द इंप्यूरिटी इन देम, है ना. तो ये चीज याद रखना कि हम लोग जो भी रिएक्शन कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस के ऊपर जो भी हम लोग चीजें या फिर जो भी कंडीशन हम लोग उसको देने वाले हैं वो कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी. वो कंडीशन क्या करेगी, बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है. अगर उसमें मिक्सिंग ठीक से नहीं हुआ तो फिर वो गड़बड़ करेगी, फिर उसके बाद में इनकम्प्लीटनेस भी हुआ तो भी वो गड़बड़ करेगी, फिर हमारा टेम्परेचर ठीक नहीं रहेगा या फिर प्रेशर ठीक नहीं रहेगा या फिर पीएच ठीक नहीं रहेगा या फिर रिएक्शन कंडीशंस ठीक नहीं रहेंगे तो फिर वो रिएक्शन चेंज हो सकती है ना. तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है या फिर कुछ कुछ रिएक्शन होती है उनके लिए स्पेसिफिकली एक पीएच दिया गया रहता है, वो रिएक्शन वही पीएच पे ही होगी. अगर वो पीएच थोड़ा भी इधर उधर होता है तो डेफिनेटली वो जो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है या फिर हम लोग जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है
वो प्रोडक्ट वो पीएच के कारण हम लोगों को नहीं मिल सकता है ना। द प्रोडक्ट विच वी आर इन इंटरेस्टेड दैट मे गेट हैम्पर्ड ड्यू टू द चेंज इन अवर पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन है ना। सो वी नीड टू फोकस ऑन अवर द टोटल वी कैन से conditions which are applied to the reaction like the temperature then pressure and then everything whatever we are required for our particular product. If any one of them gets hampered or disturbed then definitely after that our product is also going to get some kind of impurities along with it hai na. So there are some examples. See हम लोग एग्जाम्पल देखने के बाद ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट वन इज यूर जिंक ऑक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेटालिक जिंक टू ब्राइट रेडनेस इन अ करंट ऑफ एयर। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि हवा के फ्लो में या फिर हवा के प्रेजेंस में हम लोगों को क्या करना है, जो जिंक है वो जिंक को एकदम रेड होने तक उसको क्या करना है, हीट करना है, एकदम ब्राइट रेड होने तक उसको हीट करना है। जब हमारा मेटालिक या फिर मेटालिक जो जिंक है ना, मेटालिक जिंक है, जब ये मेटालिक जिंक हवा के साथ रेडनेस होने तक अगर हीट होता है तो डेफिनेटली ये हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे जिंक के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो तब जाके वो क्या करेगा, लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोगों ने मेटालिक जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसको हीट किया, इतना हीट किया कि वो ब्राइट रेड कलर का हो जाए। कैसे हो जाए, ब्राइट रेड कलर का। एंड देन आफ्टर दैट कंप्लीटिंग विद दिस वी विल लास्ट और लास्टली हम लोगों को क्या मिल सकता है, जिंक ऑक्साइड मिल सकता है। क्या मिल सकता है, जिंक ऑक्साइड। Alright, so the vapors of zinc burn to form zinc oxide, which is collected as a fine white powder. Okay, तो ये जो vapors बन रही है, जब ये हम लोग zinc को burn करेंगे, तो ये zinc जैसे burn होता है, तो वो burning के साथ हम लोगों को vapors मिलती है। वो burning के साथ हम लोगों को क्या मिलती है, vapors मिलती है to form a zinc oxide, which is collected as a fine white powder, which is collected as a fine white powder. Okay, so but if there is a less heat or air or both, zinc metal is not get completely converted into zinc oxide. ये line बहुत ज्यादा important है कि अगर हम लोग zinc को heat कर रहे तो उस दौरान अगर उसकी heating कम हो जाए या फिर जो हम लोग हवा दे रहे थे या फिर in presence of हम लोग हवा है ना, in presence of air हम लोग जो ये reaction कर रहे थे, अगर वो air और उसके अंदर का जो concentration oxygen का जो concentration है वो अगर कम होता है तो definitely हमारा zinc metal completely convert नहीं होता zinc oxide में। वो बीच में ही intermediate में लटक सकता है या फिर वो zinc वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो definitely final product में क्या होगा, अगर वो रिएक्शन टोटली कंप्लीट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो फाइनल प्रोडक्ट में हम लोगों को जिंक ऑक्साइड एंड देन उसके साथ उसके कुछ इंटरमीडिएट या फिर मेटालिक जिंक भी वहां पे हम लोगों को एज ए इंप्योरिटी मिल सकता है राइट। तो इसके लिए हमारे इंडियन फार्माकोपिया ने जिंक ऑक्साइड को एक टेस्ट दी है। किसकी टेस्ट दी है, उसकी एक लिमिट टेस्ट दी है। वो लिमिट टेस्ट किस लिए है कि वो जिंक ऑक्साइड के अंदर हमारा जिंक मेटल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये देखने के लिए हमारे आईपी में एक टेस्ट प्रिस्क्राइब की है। वो टेस्ट हम लोगों को परफॉर्म करनी पड़ती है जब भी हम लोगों को जिंक ऑक्साइड एज अ ड्रग यूज करना होगा तभी, राइट। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है या फिर किसी को डाउट इसके अंदर, is it clear? Hello, good morning. Okay, Raj को clear हो गया, बाकी सब लोग सो रहे क्या? Good morning. अगर repeat करना है तो बोल दो, definitely मैं repeat कर दूंगा, ठीक है? कोई चीज़ ओके 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 बहुत सारे लोगों को तो क्लियर हो गया है। यस ओके
गुड। सो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये एग्जाम्पल याद रखने, आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। हाँ बेटा, ये एक ही एग्जाम्पल है, ये एक ही एग्जाम्पल है। सुनो क्या इसमें मतलब, आप बता दो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। तो मैं बोल क्या रहा था कि जो हमारा जिंक है, ये जो जिंक मेटल होता है ना हमारा जिंक मेटल, ये जिंक मेटल को अगर हम लोग हमारे चम्मच के ऊपर ले ले या फिर हम लोग उसको कोई भी एक बर्तन के अंदर रख देंगे, ठीक है, तब हो क्या रहा है, ये जिंक को हम लोगों को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आजू बाजू में हवा प्रेजेंट होनी चाहिए, तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर ये जिंक मेटल को जब हम लोग हीट करेंगे, बहुत हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे ना कि वो पूरा का पूरा लाल हो जाएगा, इतना हीट करेंगे, तो जब ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी ना, तब हमारा जिंक जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? जिंक ऑक्साइड में। तो हम लोग फाइनल, हमारा जो प्रोडक्ट कौन सा है, फाइनल हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? जिंक ऑक्साइड। और रिएक्शन किसके 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 बीच में हो रही है? रिएक्शन हो रही है जिंक एंड इन और इन एयर, है ना? रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? जिंक एंड हवा के बीच में हो रही है। हवा के बीच में मतलब किसके बीच में? हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके बीच में हो रही है। तो हवा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सबके सब वहां पे रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वहां जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ वो जिंक रिएक्ट करेगा, राइट? तो रिएक्शन हो रही है हमारे जिंक एंड हवा के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ। तो जिंक एंड जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तब वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अगर ये हवा के अंदर का ऑक्सीजन कम हो, मतलब अगर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाए कि अगर हवा के अंदर का ऑक्सीजन कम हो गया, या फिर जो मैं हीटिंग कर रहा हूँ वो हीटिंग जो उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, ये रिएक्शन कैरिड आउट होने के लिए एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अगर मैंने अटेंड नहीं किया या फिर मेंटेन नहीं किया, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, पूरा का पूरा जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, पूरा का पूरा जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं हो सकता, रिएक्ट नहीं हो सकता। और इसी के कारण जो भी हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा जिंक ऑक्साइड, उसके अंदर जिंक मेटल की क्या हो सकती है, इंप्यूरिटीज आ सकती है। अभी क्लियर हो गया पूरा का पूरा ये रिएक्शन? हाँ यस सर, थैंक यू सर। यस ओके, चलो गुड। सो सर, हाँ सर, नेम ऑफ द टेस्ट क्या है सर? नेम ऑफ द टेस्ट ये क्या मतलब, लिमिट टेस्ट फॉर जिंक, लिमिट टेस्ट फॉर जिंक, ये उसका okay. ये है क्या है, टेस्ट का नाम है, है ना? okay. आगे आएंगे बेटा, हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे लिमिट टेस्ट है, तो उसमें से जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है ना, वो डेफिनेटली हम लोग देखने वाले, है ना? विल सी दैट। ओके सर। ओके ओके ओके, और किसी को कुछ डाउट इसमें? सबको क्लियर है ना? ओके okay, चलो दे, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, देखते क्या है। हाँ तो ओके, सेवेंथ वाला पॉइंट देखना, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो इसके ऊपर तो हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है कि ऑब्वियसली इसके ऊपर